कॉन्फिडेंस यानी आत्मविश्वास। कई बच्चे अहम मोमेंट पर आत्मविश्वास के डगमगा जाने से समस्या में पड़ जाते हैं। ऐसे क्षण में खोए हुए आत्मविश्वास को बनाए रखना कठिन साबित हो सकता है। आखिर आत्मविश्वास कैसे बनाए रखें? स्टूडेंट्स के लिए आयोजित कार्यक्रम परीक्षा पे चर्चा में पीएम मोदी देश भर के छात्रों से सालाना जुड़ते हैं, मोटिवेट करते हैं। उन्हीं चर्चाओं में से हम ले आए हैं कुछ स्पेशल टिप्स हमारे एग्जाम वॉरियर्स के लिए। आत्मविश्वास की शक्ति से बीहड़ में भी मार्ग खोजा जा सकता है, अंतरिक्ष के रहस्य सुलझाए जा सकते हैं और समुद्र की था ली जा सकती है। आपकी योग्यता, आपका ज्ञान और आपकी तैयारी ही आपको सफल बनाने के लिए पर्याप्त है। बिल्कुल सही कहते हैं मोदी जी। आप में से कितनों को लगता है कि आपका आत्मविश्वास हिल जाता है? कितनों को लगता है? ये सवाल बहुत से बच्चों ने पूछा है और ये बिल्कुल सही सवाल है कि मेहनत में कोई कमी नहीं होती है। खुद ने भी मेहनत की होती है, अपने पेरेंट्स ने भी की होती है, टीचर्स ने भी की होती है, हमने भी ईमानदारी से की होती है। ऐसा नहीं कि भाई टीचर को अच्छा लगे या माँ बाप को अच्छा लगे, लेकर ईमानदारी से की है। लेकिन एक चीज होती है, अगर आत्मविश्वास नहीं है तो कितने ही मेहनत की, क्लासरूम में बैठते हैं, एक शब्द याद आता है, ये भी आता है उस किताब में है, फिर याद आता है उस पेज पर है, फिर याद आता है उस पेज की पांचवी छठी लाइन में ही है, सब याद आता है, शब्द याद नहीं आता है। ऐसा होता है ना? मैं बचपन में विवेकानंद जी को बहुत पढ़ता रहता था। वो हमेशा एक बात कहा करते थे, अहम ब्रह्मास्मि। वो कहते थे कि अपने आप को कम मत मानो, अहम ब्रह्मास्मि, मैं ही ब्रह्म का रूप हूं, यानी आत्मविश्वास जगाने की बात करते थे। दूसरी भी एक बात बड़ी मजेदार विवेकानंद जी क्या करते थे, वो कहते थे, और उस जमाने में 33 करोड़ देवी देवताओं की चर्चा हुआ करती थी, वो कहते हैं कि तुम 33 करोड़ देवी देवताओं का पूजा पाठ करो, 33 करोड़ देवी देवता तुम पर आशीर्वाद बरसाएं, सारी कृपा बरसाएं, लेकिन तुम्हारे अंदर कोई विश्वास नहीं होगा, आत्मविश्वास नहीं होगा, वो 33 करोड़ देवी देवता भी कुछ नहीं करेंगे। सब कुछ जान लेंगे तभी आत्मविश्वास पैदा होगा, ऐसा नहीं है। अपने छोटे छोटे गुणों, अपने कौशल और अपनी क्षमताओं को जान लेने से पैदा होता है आत्मविश्वास। और आत्मविश्वास पैदा करने का कोई शॉर्टकट तरीका नहीं है, कोई जड़ी बूटी नहीं है। मोदी जी बताते हैं कि आत्मविश्वास आखिर कैसे पैदा होता है। ये आत्मविश्वास कोई जड़ी बूटी नहीं है जी, कि मम्मी कह दे कि आज एग्जाम में जाने से पहले ये टैबलेट ले लेना, वो ऐसे नहीं होता है। आत्मविश्वास वो कोई लंबा सा भाषण सुन ले तो भी आत्मविश्वास आ जाता, ऐसा नहीं है। हमने अपने आप को हर पल कसौटी पर कसने की आदत डालनी चाहिए। कभी मान लीजिए हमारे घर में कहीं पर छोटी पहाड़ी है या घर के पास कहीं कोई बड़ा मकान है, स्टेयरकेस है, होता है कि अभी 3 मंजिला मकान है, चलो देखते हैं 3 दोस्त सबसे पहले स्टेयरकेस में कौन चढ़ के जाता है। जो चढ़ेगा उसको आत्मविश्वास आएगा, जो नहीं चढ़ेगा उसको लगेगा मैं भी चढ़ूं, वो दूसरे दिन मेहनत करेगा। आत्मविश्वास हर कदम पर कोशिश करते 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 बढ़ता है और हम उसको अचीव कर सकते हैं। और इसलिए निरंतर ये कोशिश होनी चाहिए कि मैं जहां हूं उससे मुझे कुछ और अधिक करना है और इसके लिए जो मुझे करना पड़ेगा वो मैं करूंगा। ये भी ठीक है, जैसे ईंट ईंट जोड़कर बनता है घर, वैसे ही कोशिशों से भरता है आत्मविश्वास अपने मन मस्तक के भीतर। लेकिन कभी कभी तनावग्रस्त होना, पैनिक होना स्वाभाविक है। ऐसे में अपने कंफर्ट जोन में लौट आने का क्या उपाय है? पिताजी का स्कूटर, चौंक गए। मोदी जी बताते हैं एक अनूठे उदाहरण के माध्यम से, आइए सुनते हैं।
लेकिन मैं थोड़ा मजाकिया स्वर में कुछ बात बताना चाहता हूं। आपने देखा होगा कि आपका बड़ा भाई, आपके पिताजी घर में स्कूटर है और स्कूटर लेकर के कहीं जाना है और सुबह उठ करके वो किक मार रहे हैं लेकिन स्कूटर स्टार्ट नहीं होता है, ऐसा दृश्य देखा होगा आपने, देखा होगा कि सब गाड़ी वाले हैं। लेकिन आपने तब देखा होगा एक बड़ा करामत है, वो पेरेंट्स या भाई जो भी है क्या करेगा, स्कूटर को इधर करेगा उधर करेगा, करता है कि नहीं करता है, है? स्कूटर को हलाता है। अब दुनिया में कोई टेक्नोलॉजी है क्या कि हिलाने से शुरू होता है स्कूटर? नहीं है, लेकिन उसको लगता है कि जरा ऐसा करूंगा तो वो खुद को तैयार करता है और फिर किक लगाता है, स्कूटर चल भी पड़ता है। ये एक दो मिनट जो ये करता है वो क्या है, साइंटिफिक है क्या? नहीं है, लेकिन करीब करीब सब लोग करते हैं, जिन्होंने भी स्कूटर चलाया है वो पक्का ये करते हैं, अगर नहीं चलता है तो स्कूटर को हिला देते हैं। साइंस नहीं है, टेक्नोलॉजी नहीं, लेकिन करते हैं और काम हो भी जाता है। आपने देखा होगा आजकल तो टीवी पर गेम्स का काफी कुछ कार्यक्रम रहते हैं तो बच्चे देखते भी हैं और अच्छी भी चीज है, लेकिन आपने देखा होगा टेनिस का खिलाड़ी होगा, कितना भी यानी ओलंपिक प्लेयर होगा, वो भी जब टेनिस के टेबल के पास आता है तो क्या करता है, सामने बॉल नहीं है लेकिन फिर भी यूं यूं करता रहता है, करता कि नहीं करता है, एक दो मिनट करता है, बाद में सामने वाला भी ऐसे ही करता है, बॉल नहीं है लेकिन दोनों एक जैसे खेल रहे ऐसा करते हैं वो। उसी प्रकार से आपने क्रिकेट में देखा होगा कितना ही सक्सेस जिसका बैट्समैन का है, वो भी जब पवेलियन से लेकर के पिच पर जाता है तो वहीं पर अपना बैट हिलाएगा, जैसे यू करेगा, जैसे अभी बॉल को मार रहा है ऐसा करेगा, करता ही नहीं करता है, वहां बॉल नहीं है, खेल नहीं है, अभी तो पिच पे है, करता है वो। जब वहां पहुंचता है तो वहां भी वो बैट को एडजस्ट करता है, थोड़ा एक दो ऐसे ट्रायल लेता है, बॉल तो अभी आया नहीं, मैच शुरू नहीं हुआ है, लेकिन वो करता है, क्यों? उसको कंफर्ट जोन मिल जाता है। बॉलर भी आपने देखा होगा हाथ में बॉल नहीं है फिर भी वो दूर ऐसे ही बॉलिंग कर रहा है, ऐसे दौड़ता है, बॉल फेंकता है, बॉल है नहीं कर रहा है, दो तीन पांच मिनट आपको हर बार गेम में दिखता होगा, ये क्या है, खुद को एक कंफर्ट जोन में लाने का हर एक ने ढूंढा हुआ अपना तरीका है। आपने भी क्वेश्चन पेपर आने के बाद बस पिताजी के स्कूटर को याद कर दीजिए बस। आप भी अच्छा सही इतना है, ऐसा है ठीक है, पेन ठीक है, थोड़ा ऐसे ही दो एक एक आध मिनट ऐसे ही निकाल दीजिए, बड़े तनाव में बड़ा सिंपल सा सॉल्यूशन है। मोदी जी के स्कूटर के उदाहरण से बचपन की पुरानी यादें ताजा भी हो गई और कंफर्ट जोन में आने का सिंपल नुस्खा भी मिल गया, आप भी जरूर आजमाएं। लेकिन एग्जाम में जाने से पहले हम में से अच्छे अच्छों ने तनाव का सामना किया है, अपना हौसला कैसे बनाए रखें? इसका भी एक सिंपल नुस्खा है, हंसते हुए जाइए और परीक्षा केंद्र से मुस्कुराते हुए आइए। आत्मविश्वास हर पल प्रयासों से और हम खुद ऑब्जर्व करते रहे अपने आप को उससे आता है। स्कूल में जाते समय दिमाग में से ये निकाल दीजिए कि कोई आपकी एग्जाम ले रहा है, दिमाग में से ये निकाल दीजिए कि कोई आपको अंक देने वाला है, दिमाग में ये भर दीजिए आप ही आपके एग्जामिनर हो, आप ही अपना भविष्य तय करोगे, और कौन होता है आपका भविष्य तय करने वाला, वो अंक गिनने वाले गिनते रहेंगे, मैं अपने हौसले को लेकर के चलता रहूंगा, इस भाव के साथ बैठिए। और आप देखिए और जीवन में सफलता में आपके पास क्षमता हो, संसाधन हो, सब हो, लेकिन आत्मविश्वास न हो तो आप कुछ नहीं कर सकते। आत्मविश्वास हमारी पूंजी है, ये पूंजी कभी ना खत्म होने वाली पूंजी है,
जिसके पास ये पूंजी संचित है वो पराजित नहीं हो सकता है। तो उम्मीद करते हैं कि मोदी जी के ये मंत्र आपके आत्मविश्वास को जगाने और बढ़ाने में काम आएंगे। इन्हें आजमाएं और दूसरों को भी बताएं।